दोस्तों अब आए आगे वाले स्टेप पे। आगे वाले स्टेप पे केस ने अपना पूरा टाइमलाइन बताया हुआ है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा टाइमलाइन ही कैसे जो शुरू से लेके लास्ट तक टाइमलाइन वर्क किया है, मतलब उन्होंने पहला मशीन कब बनाया, पहला इंजन कब बनाया, पहला स्टीम वाला कब बनाया, अभी कहाँ तक पहुँचे, कहाँ कहाँ प्लान्स डाले, क्या सारी चीज़ें करी, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से बिगिन होता है। एक्चुअली केस का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। केस का आप हिस्ट्री देखोगे तो 1842 में आज से लगभग 180 साल पहले जो हमारे इंग्रीज केस थे, तो ये केस उनका सरनेम है, उन्हीं के नाम पे उन्होंने कंपनी का जो है पूरा का पूरा चीज़ें बनाया है। कंपनी फाउंड करी केस कहाँ पे करी दोस्तों, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो जगह है विस्कॉन्सिन रेसिन में इन्होंने कंपनी फाउंड करी। और उसके बाद में 1863 से 1865 में वहाँ पे सिविल वॉर हो रहा था, तो सिविल वॉर जो हो रहा था उसमें मस्कट में ये पर्टिकुलर मशीन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने मशीन बनाए, सेल किया। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो 1869 में केस ने पहला पोर्टेबल स्टीम इंजन बनाया। तो पहला पोर्टेबल स्टीम इंजन जो केस की तरफ से आया था वो 1869 में आया, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डीजल इंजन। तो इंडस्ट्रियल डीजल इंजन का जो पहला प्रोडक्शन था उन्होंने 1908 में शुरू किया। उसके बाद में अगर आगे जाओगे तो सीआर कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी आई वो 1999 में लॉन्च की इन्होंने, तो कमर्शियली हमारे पास 1999 में ये अवेलेबल थी। और जो हमारे फिएट के मल्टीजेट इंजन शुरू हुए थे, तो एफपीएस इनका कहीं ना कहीं रिश्ता फिएट से कुछ ना कुछ रहा है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो 2008 के अंदर उन्होंने यहाँ पे फिएट वाला सीन सारा क्रिएट किया, 2008 में मल्टीजेट फिएट का इंजन इनके पास आया। उसके बाद में अगर आगे की बात करें तो केस ने अपना पहला ग्रेडर जो लॉन्च किया वो सिर्फ एक हॉर्स पावर का था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक हॉर्स पावर का ग्रेडर था, तो वो है केस ने अपना इंट्रोड्यूस फर्स्ट वन हॉर्स पावर ग्रेडर। तो 1912 में इन्होंने पहला ग्रेडर लॉन्च किया था जो एक हॉर्स पावर का था। इसके अलावा दोस्तों 1912 में इन्होंने केस का 10 टन का स्टीम रोलर भी लॉन्च किया था, जो इंजन नहीं, जिसमें डीजल इंजन नहीं था, केरोसिन इंजन नहीं था, पेट्रोल इंजन नहीं था, जिसके अंदर स्टीम इंजन था, ये भाप से चलता था जैसे हमारी उस टाइम रेलगाड़ियाँ चलती थी, ये रोलर था जो इस तरह से काम करता है। आगे की तरफ आएंगे 1947 में सीधे जंप ऑफ कर, तो 1947 में दोस्तों केस ने क्या किया, अपनी मशीन डिवीजन को अलग कर दिया, तो केस क्रिएटेड इट्स इंडस्ट्रियल डिवीजन। तो इंडस्ट्रियल डिवीजन जो थी वो इनकी अलग हो गई। 1957 में दोस्तों क्या हुआ, ये भारत की आज़ादी के बाद का वक्त है कि केस इंट्रोड्यूस फर्स्ट इंटीग्रेटेड फैक्ट्री बैकहो लोडर। मतलब सबसे महत्वपूर्ण साल 1957 था जब इन्होंने पहली फैक्ट्री इंटीग्रेटेड लोडर बैकहो को लॉन्च किया। उसके बाद अगर आप बात करोगे 1967 की, अगर हम बात करें तो 1967 में केस एंटर्स द एक्सकेवेटर मार्केट, जो हमारा एक्सकेवेटर वाला मार्केट है जिसमें अब केस ने काफ़ी ज़्यादा धाक जमा ली है, तो उस वाले मार्केट के लिए 1967 में ये लोग आए। इसके अलावा अगर आगे की तरफ बात करें तो केस ने स्किड स्टीयर लोडर का जो प्रोडक्शन था और अचीवमेंट था, तो 2010 तक इन्होंने 2.5 लाख स्किड स्टीयर लोडर जो है वो बेच लिए हैं। 2010 तक इनका ये सीन था। 1972 की अगर दोस्तों बात करें तो केस ने पहली मैन्युफैक्चरिंग रोलर कॉम्पैक्शन इन रोलर, जर्मनी के अंदर रोलर कॉम्पैक्शन जो होता है उसकी पहली इंडस्ट्री जो इन्होंने जर्मनी के अंदर डाल दी। सीधे हम बातें 1982 से 1989 तक की, 1982 से 1989 तक कौन सा वो कौन से इवेंट्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हुए। इंडिया के लिए ये बहुत ही क्रूशल साल थे जब केस जो है इंडिया में कहीं ना कहीं कदम रखे, और इंडिया में इनका और फिर उसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा है। तो अगर आप देखोगे तो 1982 में इन्होंने क्या किया था, केस 25 साल इनको बैकहो लोडर बनाते हो गए थे, मतलब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इनके पास आ गया था। उसके बाद आप बात करोगे तो 1989 से 1990 तक इन्होंने सबसे पहला काम किया वो ये किया कि इंदौर का जो पीतमपुर है वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली, जो कि अभी भी इनकी फुल इंटरनेशनल लेवल्स वाली फैक्ट्री है, हाई क्वालिटी इनकी जो फैसिलिटी है वो 1989 में डाला इन्होंने। तो एक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मध्य प्रदेश पीतमपुर, और वहाँ से इन्होंने क्या सारी चीज़ें बनाई, तो वहाँ से दोस्तों उन्होंने क्या किया कि केस पहला सॉयल वाइब्रेटरी जो कॉम्पैक्टर होता है, उसके बाद जो हमारे टैंडम रोलर्स आते हैं जिसको हम इंग्लिश में अगर प्रोफेशनल भाषा में बात करें, स्टैंडर्ड टर्म्स में बात करें, जिसको हम एसफॉल्ट वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स बोलते हैं, वो बनाना शुरू किया। साथ ही साथ हमारी बैकहोइस भी जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने की जगह इन्होंने बनाना शुरू किया, तो ये आपकी पीतमपुर वाली फैक्ट्री में बनी। तो ये 1989 वाला जो साल था, 1989 से 90 वाला जो साल था, उसमें काफ़ी ज़्यादा केस ने इंडिया में बहुत सारी चीज़ें करी। आगे की तरफ अगर हम जाएंगे, आगे की तरफ हम जाते हैं 1999 में, तो 1999 में दोस्तों क्या हुआ, केस न्यू हॉलैंड आ गया। ये न्यू हॉलैंड के साथ में इन्होंने टाई अप किया और केस कंस्ट्रक्शन को अलग कर दिया, न्यू हॉलैंड को अलग कर दिया, कहीं ना कहीं जो है मिलके जो है काम करने का सोचा, क्योंकि भारत में आने के लिए किसी ना किसी के साथ इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो केस कॉर्पोरेटेड वॉज एक्वायर्ड बाई फिएट एंड मर्ज न्यू हॉलैंड। इनका फिएट से थोड़ा बहुत रिश्ता पहले से ही था, तो फिएट और न्यू हॉलैंड के साथ में ये कहीं ना कहीं मिल गए, तो केस न्यू हॉलैंड ये जो है कहीं ना कहीं बन गया 2000 के आसपास, 1999 में अगर टू बी प्रिसाइज। 2007 इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। क्यों इंपॉर्टेंट साल था दोस्तों,
क्योंकि केस ने पहला स्टील स्कीटर लोडर जो है वो भारत में लॉन्च किया। बिल्कुल दोस्तों, 2007 में इन्होंने पहला स्किड स्टील लोडर लॉन्च किया है जो कि इंडिया में किया है। इसके बाद आगे की तरफ अगर आप जाओगे 2011 से 2016 तक, 2016 में इन्होंने क्या किया, 2013 के आसपास, जब 2013 आया तो केस इंट्रोड्यूस फर्स्ट फ्यूल एफिशिएंट एफपीटी। दोस्तों इसका अभी रिलेशन फिएट से ही है, जहाँ भी एफपीटी लिखा हुआ है समझ जाओगे फिएट का कुछ ना कुछ रिलेशन है। इंजन इट्स इंडियन प्रोडक्ट रेंज, इंडियन प्रोडक्ट रेंज के अंदर पहली बार एफपीटी इंजन आया। 2011 की अगर बात करो तो केस ने अपने 10,000 बैकहो लोडर्स इंडिया के अंदर बेच लिए थे, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये दोस्तों क्या होता है कि ये 10,000 वाला जो रोलर था ये पीतमपुर फैक्ट्री से निकला था। मतलब रोलर जी पहले भी बेच रहे थे, पर पहले बाहर से मंगा के बेच रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, बट पीतमपुर से निकला हुआ इन्होंने 10,000 2011 तक बेच लिया, जो कि अगेन बहुत बड़ा नंबर है। 2016 की बात करें तो केस ने बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जो कि इनके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि 2016 में आप देखोगे केस इंडिया इंट्रोड्यूस क्रॉलर डोजर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के लिए। और दोस्तों ये पावर्ड था वही फिएट एफपीटी इंजन के साथ में, और ब्राजील से आया, मेड इन ब्राजील, ये ब्राजील से मेड इन था और पावर्ड था एफपीटी इंजन के साथ में। 2015 की अगर बात करोगे इंडिया इंट्रोड्यूस मोटर ग्रेडर मेड इन ब्राजील पावर्ड बाय, 2015 में इन्होंने मोटर ग्रेडर भी लॉन्च किया। 2015 में मोटर ग्रेडर और 2016 में दोस्तों इन्होंने क्या किया, डोजर को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 2017 और 2018 पे आ जाते हैं। 2017 पे अगर आओगे तो इंडस्ट्री के अवार्ड्स इन्होंने जीतना शुरू कर दिए, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो इंडस्ट्री अवार्ड फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ केस कंस्ट्रक्शन इंडिया, इनको इतने ज़्यादा साल हो गए थे, 175 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिए थे ओवरऑल इंडस्ट्री में। इसके बाद 2019 में केस ने दोस्तों क्या किया, 4 अवार्ड और एक दिन के अंदर 4 अवार्ड जीते। और 2018 में अगर बात करो तो केस अजीब इंडस्ट्री माइलस्टोन था, रोलिंग आउट 13,000 वाइब्रेंटी कॉम्पेक्टर्स, मतलब 13,000 वाइब्रेंटी सॉइल कॉम्पेक्टर्स जिन्होंने भारत में बनाए हुए थे उनको भी रोल आउट कहीं ना कहीं। अगर अभी की बात करें दोस्तों, लास्ट में बात करें 2021 से 2022 की, 2022 में केस प्राउडली सेलिब्रेट 180वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट, मतलब 180वीं जो एनिवर्सरी है, 180 ईयर्स, 180 साल इनको हो गए हैं और बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। और केस कंस्ट्रक्शन नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा नाम है। 180 साल की जो टाइमलाइन थी केस कंस्ट्रक्शन की, वो यहाँ पे मैंने सरप्राइज कर दी है। हम जाएंगे अगले सेक्शन में, वहाँ से बताएंगे क्या सारी चीज़ें आती हैं इनके, जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सबके बारे में हम यहाँ से बात करने वाले हैं। दोस्तों केस कंस्ट्रक्शन की अगर हम करंट पोर्टफोलियो की बात करें कि इनके पास कितना बड़ा मशीन्स का लाइनअप है, कौन कौन सी मशीन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी इस मशीन के ऊपर। तो हम देखेंगे इस बड़ी सी स्क्रीन पे, बड़ी सी टच स्क्रीन के ऊपर कि इनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो किन सारी रेंजेस को कवर करता है और आपकी क्या सारी नीड्स को कैटर करता है। उनमें छह चीज़ें आती हैं दोस्तों, जिसमें कि हमारा बैकहो लोडर आता है, मोटर ग्रेडर आता है, हमारा हाइड्रोलिक एक्सकावेटर आता है, वाइब्रेटरी कॉम्पेक्टर आता है, क्राउलर डोजर आता है जिसको हम लोग बेसिकली डोजर बोलते हैं जो ट्रैक्स के साथ में होता है, और स्किड स्टील लोडर आता है। मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या सारे प्रोडक्ट हैं जो आप केस से खरीद सकते हो या केस के पास अवेलेबल होते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपके कौन कौन से मॉडल मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको इनके 6 मॉडल मिलते हैं जो कि सिर्फ बैकहोइस के अंदर आते हैं। अभी करंट में इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है तो 770 NXE लॉन्च किया हुआ है, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। 770 FX है, 770 FX प्लस है, 851 FX है, 851 FX प्लस है, और 851 FX ये कन्वेंशनल वाला है, CP वाला है। तो ये 6 मॉडल इनके पास आते हैं। ये केस का 770 NXE है जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ये दोस्तों एफिशिएंसी और पावर का राइट बैलेंस है, मतलब जितना एफिशिएंसी और पावर दोनों बराबर दिए हुए हैं, कहीं आपको ना पावर में दिक्कत आएगी ना एफिशिएंसी में दिक्कत आएगी, वो चीज़ें हैं। आपको 24% मोर फ्यूल एफिशिएंट और 26% रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट भी नए वाले मशीन में कम हो गया ऐसा ये लोग कहते हैं, और फ्यूल कंजप्शन भी जो है वो कम हो गया, एफिशिएंसी जो है वो बेहतर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं मोटर ग्रेडर के ऊपर। तो दोस्तों केस जो है वो ग्रेडर्स में आपने देखा होगा, केस के ग्रेडर्स काफ़ी बढ़िया आते हैं, बड़े और हैवी ग्रेडर्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको रोड कंस्ट्रक्शन और माइनिंग दो तरीके के ग्रेडर देखने को मिलते हैं। तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक ही ग्रेडर ये लोग अभी देते हैं 845C। इसमें भी दोस्तों क्या होता है ना, फिएट का इंजन लगा हुआ है, एफपीटी सीरीज के मोस्ट ऑफ द इंजन यूज़ करते हैं। हालांकि कुछ अदर ब्रांड्स के इंजन भी इन्होंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है BS4 आने के बाद भारत में। तो एफपीटी 6.7 लीटर का ये इंजन होता है, डिलीवर करता है 170-150 से लेकर 175 हॉर्स पावर तक। तो लगभग 175 हॉर्स पावर में आपकी सारी नीडें कैटर हो जाती है, आपका ब्लेड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को डोज कर पाता है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप कट लगा सकते हो रोड पे स्पेशली। अगर रोड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ भारत में, भारतमाला से लेके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर आप बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ें यहाँ पे कैटर हो जाती है। तो यहाँ पे वाइब्रेटरी कॉम्पेक्टर्स इनके पास मिलते हैं, और आपको पता है कि वाइब्रेटरी कॉम्पेक्टर्स में केस का भारत के अंदर बहुत बड़ा नाम है। स्पेशली आप कहीं भी देखोगे कॉम्पेक्टर्स को तो यहाँ पे आपको वाइब्रेटरी कॉम्पेक्टर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको 3 तरीके से मिलते हैं, जो आप एस्फाल्ट पे चलाते हो, रोड के ऊपर चलाते हो जिसको हम लोग टैंडम रोलर बोलते हैं, पानी चलता है,
एक मिनी रोलर होते हैं जो कि हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्क के लिए छोटी छोटी गलियों के लिए यूज़ होते हैं, और एक हमारा सॉइल होते हैं जबकि रोड बन रहा होता है तो उसमें अलग अलग अटैचमेंट्स टैंडम यूज़ नहीं करते क्योंकि रोलर में मिट्टी चिपक जाती है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। पहले हम सॉइल वाला देख लेते हैं कि कौन से मॉडल्स आते हैं। तो यहाँ पे 1107 मॉडल EX आता है, इसमें आपको पावर डिलीवरी और ये अलग अलग तरीके से मिल जाता है। बेसिकली कुछ इस तरह दिखता है, पीछे बड़े बड़े टायर्स होते हैं, टायर्स के अंदर कई बार पानी भी जाता है, और आगे की तरफ आपको मिलता है दो मोड के वाइब्रेशंस इसके अंदर आते हैं। अगर आप बात करोगे तो इसका ये बेहतर है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पहले से बढ़िया हुई है, वाइब्रेशंस और बेहतर बढ़ाए हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह बहुत अच्छी आती है वाइब्रेशन की, और हाई इसका टर्न अराउंड टाइम है। मतलब जब आप एक जगह से एक पर्टिकुलर पैच को आप जब कॉम्पैक्ट करते हो, कॉम्पैक्शन का काम करते हो, तो आपका ऑपरेटर वही काम को दूसरी कंपनी के रोलर से बेहतर तरीके से और जल्दी कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको और सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि क्रॉलर डोजर दिख जाएगा। अभी डोजर भी दोस्तों दो तरीके से काम आते हैं, एक हम लोग सामने की तरफ यूज़ करते हैं जो कि हम रोड कंस्ट्रक्शन में, एक माइनिंग में यूज़ करते हैं। अगर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए डोजर्स की बात करोगे तो दो मॉडल आते हैं, 1650 और 1150, 1650 एल और 1150 एल। अगर हम बात करें 1650 एल की, जो कि बड़ा मॉडल है, तो दोस्तों बड़े मॉडल की अगर बात करो तो 275 किलो न्यूटन का इसमें ड्रॉबार ड्रैग फोर्स आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सर्विस इजी कर सकते हो, यूज़ हो सकता है, फीड के इंजन के साथ में आता है, और अंडर कैरेज की बहुत अच्छी है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें अगर नीचे से हिट करती है तो वहाँ कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। दोस्तों हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर की बात करोगे तो यहाँ पे दो तरीके के एक्सकेवेटर आपको देखने को मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड नॉन LC जो कि हमारे लॉन्ग कैरेज के साथ में नहीं आते, दूसरा हमारा हैवी ड्यूटी मिलते हैं। हैवी ड्यूटी की अगर बात करोगे मॉडल्स की, तो दोस्तों यहाँ पे 220 LC आता है, जो कि यूनिवर्सल वर्सेटाइल एक्सकेवेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो केस का 220 LC यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 8% बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ये लोग क्लेम करते हैं। हमने इसका पूरा डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, आपके लिए हम डिटेल रिव्यू भी जो है वो लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम होती है, ऑन साइड सर्विस आपको इसकी मिल जाती है। अगर आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे लास्ट इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताएंगे, तो जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं स्किड स्टील लोडर, और हम आपको स्किड स्टील लोडर वगैरह दिखा देंगे क्रॉलर चेन्स वगैरह के साथ में। तो ये सारा जो है इनका प्रोडक्ट का ब्रीफ है, कुछ इस तरह से मैंने छोटे छोटे मोटे तरीके से बताने की कोशिश करी कि केस क्या क्या सारी चीज़ें बेचता है। आपके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि 6 कैटेगरीज में प्रोडक्ट बेचते हैं, बैकहोइस बेचते हैं, लोडर बैकहोइस बेचते हैं, मोटर ग्रेडर बेचते हैं, कॉम्पैक्टर्स बेचते हैं, डोजर्स बेचते हैं, स्टील लोडर्स बेचते हैं, और आपको हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो है बाकी सारे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सारा पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं, तो इन 6 कैटेगरीज के अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज मिलने वाली हैं आपको। तो ये था इनका प्रोडक्ट ब्रीफ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, बताते हैं क्या सारी चीज़ें वहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि पेंट होता है, अभी केस कंस्ट्रक्शन के अलावा बहुत सारे भारत में और इंटरनेशनली जो पेंट होता है, एक मॉडल तरीके से पेंट किया जाता है मशीन के ऊपर, पहले बेस कोट लगाते हैं, फिर उसके बाद फाइनल पेंट होता है, ग्रॉसी पेंट होता है, उसको हम ये आपको करके दिखाएंगे किस तरह से किया जाता है, ताकि आपकी मशीन का जो पेंट रहता है वो किस तरह से इतनी ज़्यादा दिनों तक धूप गर्मी बरसात और मौसम की मार से टिक पाता है। तो अभी मैं ये गन पकड़ता हूँ आपके सामने और आपको करके दिखाता हूँ, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो सामने कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। दोस्तों ये वाली गन है जो पेंट शॉप में होता है, ये हमको दिखाता है जब आप ये रेड कलर आ रहा है मतलब आप इससे बहुत ज़्यादा दूर हो, अगर ये ग्रीन कलर आ रहा है मतलब परफेक्ट डिस्टेंस है, बहुत पास चले जाओगे तो येलो हो जाएगा, तो आपको यहाँ से शुरू करना होता है। अब जैसे अगर मैं इस पर पेंट करना शुरू करूँगा, पहला ही पेंट हो रहा है दोस्तों, पहला ही कोट हो रहा है, तो अभी देखो इसको हाथ को ऐसे मूव नहीं करना है, हाथ को बिल्कुल सीधे रखना है आपको, और ये ऊपर जो मीटर आ रहा है आपके ग्रीन वाला, इसमें से अभी मैं गलत कर रहा हूँ तो ऐसे आ रहा है। तो प्राइमर दोस्तों इस तरह से लगाया जाता है, इस क्लच को दबा के दोस्तों काम किया जाता है, आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीन के ऊपर जब हम बेसिक कोट लगाते हैं तो वो इस तरह से लगाया जाता है। जब आप इसको पेंट कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिखाई देगा, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैं जो स्कोर कार्ड को पिक कर रहा हूँ, अब हम लोग जो है वो अभी प्राइमर किया है, अब हम लोग यहाँ पे बेस कोट करने के लिए जाएंगे, स्कोर कार्ड चेक करेंगे, तो हमारा 37% ही आया है। अभी भी हमारी स्पीड तो ठीक थी, बट हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ था और एंगल गड़बड़ था, तो इस तरह से हमने बेस कोट कर लिया है। तो आपकी मशीन में पहला प्राइमर होता है, बेस कोट होता है, इसके बाद में फाइनल टॉप कोट होता है, जो कि एक ग्लॉसी पेंट होता है, जैसे ग्रीन शुरू होता है तो ये हमारा ग्लॉसी पेंट आ जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा दूर रहूँगा दोस्तों, हर एक पेंट का अपना अपना डिस्टेंस होता है कि कौन से पेंट को कौन सी डिस्टेंस से करना है। अभी अगर आप देखोगे तो मैंने 50% एफिशिएंसी से कोट किया है, तो मेरा प्राइमर बहुत गंदा था, बेस कोट मैंने ठीक ठाक किया, और अब टॉप कोट में मेरा 50 हो गया है, पास हो गया है, स्पीड अच्छा था, डिस्टेंस ठीक मेंटेन किया, एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हाथ के मोमेंट से। तो इस तरह से आपकी जो मशीन है वो पेंट होती है। केस कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी जो मशीन जब पेंट होकर आती है, आपको फाइनल मशीन दिखती है, तो उस पर इस तरह की जो कोटिंग है होकर आती है, इस तरह से मल्टीपल कोट किए जाते हैं, जिससे कि आपकी मशीन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं रिटेन रह पाती है। तो ये था दोस्तों इनकी पेंट शॉप का डेमोन्स्ट्रेशन, ये बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल रियल में भी बिल्कुल आप जाओगे पेंट शॉप के अंदर तो ऐसा ही होता है। हालांकि वहाँ पे कोट पहना जाता है, जिससे कि आपके नाक वगैरह में पेंट ना जाए अंदर की तरफ, क्योंकि पेंट शॉप का जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उससे बॉडी को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दोस्तों था इनकी पेंट शॉप का, हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।
तो हमने देखा केस कंस्ट्रक्शन में कैसा टाइम लाइन है इनका, शुरू से 1842 से लेकर 2022 तक ये कैसे आए 180 साल में, क्या सारे 6 प्रोडक्ट इनके पास है। फिर हमने पेंट शॉप में देखा कि किस तरह से पेंट होता है मशीन के ऊपर, प्राइमर लगाया, बेस कोट लगाया, फिर हमने फाइनल कोट ग्लॉसी पेंट भी लगाया। अब हम फाइनली आ गए हैं वेल्डिंग वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम बताएंगे कि वेल्डिंग किस तरह से होती है, किस तरह से आपने जो है वेल्डिंग करनी है, मशीन में वेल्डिंग होती है, जो हम बाहर मार्केट में वेल्डिंग कराते हैं उसमें उतनी मजबूती और फिनिश नहीं आती है, जबकि हम एक कंपनी के अंदर कराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सफाई से काम होता है और बहुत ही बेसिक से जो है वो अपर लेवल का काम होता है। तो यहाँ पे जो भैया जो वेल्डिंग कर रहे हैं, मैं आपको सारे पैरामीटर्स के साथ में दिखाऊंगा, अंदर से पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से एक्चुअली जो कंपनी से वेल्डिंग होकर आती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें किस तरह से चीज़ें डिफरेंट होती है हमारे बाहर के कराने में, और हम देखेंगे क्वालिटी टेस्टिंग को, सारे पैरामीटर्स को। चलिए चलते आगे की तरफ, कर्ट लगाते हैं वीआर और देखते हैं किस तरह से होती कंपनी के अंदर वेल्डिंग्स। तो ये लिंकन इलेक्ट्रॉनिक्स का वेल्डिंग है जो हमारी मशीन के ऊपर बेसिकली होता है। वेल्डिंग आप शुरू करते हो उससे पहले सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं कि आपकी पोजीशन क्या होने वाली है, ट्रैवल एंगल कितना होने वाला है, ट्रैवल स्पीड कितनी होने वाली है, वर्क एंगल और प्रोस्पेक्टिव कॉनकेव, ये दोस्तों टेक्निकल टर्म्स है। वेल्डिंग का 1.5 साल का कोर्स होता है, हम लोग इतने प्रोफेशनल्स नहीं है वेल्डिंग में स्पेशली, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आती हैं। अगर आपको थ्योरीज जाननी है तो यहाँ पे आपको थ्योरीज मिल जाएंगी सारी की सारी, ये सारी चीज़ें कैसे करें, की होल वेल्डिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। अगर आपको पुश वगैरह करना है, जिस तरीके से भी चीज़ें करनी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप बात करोगे ड्रॉस कैसे करना है तो वो सब चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाती हैं। अगर आप बात करोगे दोस्तों ट्रैवल स्पीड की गाइडेंस चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको, क्या सारी चीज़ें करनी है। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ें जो है वो होती हैं। अगर आपको इसको एंड करना है, नेक्स्ट करना है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको लाइव वेल्डिंग करके दिखाता हूँ। सारे पैरामीटर्स ये दिखा देगा कितना आपका स्कोर रहा है, कैसे आपने किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, क्या आर्क टाइम रहा है, आपने आर्क पे कितनी टाइम वेल्डिंग की है, और आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो किस तरह से आया, तो वो सारी चीज़ें दिखाता है। बहुत ही होता है हमारी जब मशीन में जो है वेल्डिंग्स होती है वो इस तरह से होती है। जब फाइनल वेल्डिंग होकर आ जाता है तो इस तरह से जो है वेल्डिंग आपको दिखेगा कि प्रॉपरली जब एल शेप का जो आपको एंगल दिख रहा है, एल शेप के एंगल पर जब बीच में जो आपने वेल्डिंग की हुई है वो इस तरह से हुई है, तो वो चीज़ों को हम देखेंगे। अब हम जो है लाइव जाएंगे और लाइव आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो हमारी प्रॉपर वेल्डिंग होती है। अभी भाई मेरे को ऐसे इतना बड़ा वर्कशॉप दिख रहा है यहाँ पे वेल्डिंग का वीआर में, आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है। अगर हम रियल वेल्डिंग में होते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स पहनने होते हैं, बट हम यहाँ वीआर पे कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी ऐसे ही कर सकते हैं। अभी ये जो है वो पीस है वेल्डिंग का, इसको अगर ये रेड आ रहा है तो आपको नहीं करना है, पास ले जाना है, ग्रीन आ रहा है तो परफेक्ट है, और येलो आ रहा है तो आपको थोड़े से पीछे आना है। अभी मैं इसको पहले ग्रीन करूँगा और ग्रीन करने के बाद जो है इसको शुरू करूँगा। यहाँ से इसको टच करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वेल्डिंग होता है। दोस्तों वेल्डिंग करने का मज़ा अलग ही है, पूरा रियल फीलिंग आ रहा है, मेरे कानों में आवाज़ भी आ रही है वेल्डिंग करने की। मैंने अच्छा वेल्डिंग नहीं किया है, अगर ऐसे वेल्डिंग करके आपको मशीनें बेची तो आपकी आप कोई नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है वेल्डिंग की जाती है परफेक्टली, यहाँ से जो है आपको आप दिखेगा कि आप वेल्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने तो गलत किया है तो मेरा ग्राफ तो ऐसे पूरा झोलमेल हो गया है, बट अगर आप देखोगे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ऐसे वीआर पे ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आपकी जब रियल वर्ल्ड पे मशीन पे जब भी वेल्डिंग किया जाए तो उस पर सारे पैरामीटर्स पता हो कि किस बूम पे, किस आर्म पे, किस पार्ट पे कौन सी वेल्डिंग की जा रही है और उसके पैरामीटर्स क्या है। अगर किसी भी पार्ट पे पैरामीटर्स गड़बड़ होते हैं, मशीन कहीं भी गलत दिखा दी, तो वो मशीन कस्टमर को डिलीवर नहीं करते, उसमें से मैंने दोबारा से करने की कोशिश की, इस तरह से उसको किया जाता है। तो सारे पैरामीटर्स इनको पता होता है ताकि आपकी जो क्वालिटी है इंटरनेशनल क्वालिटी जो है मशीन की वो करी जा सके। और दोस्तों इसको शॉर्ट सर्किट वेल्डिंग कहते हैं, ओपन मार्केट में आप कराने जाओगे तो ना सिर्फ बहुत महंगा होता है, बट ये सारे पैरामीटर्स वहाँ पे नहीं होते हैं जिससे कि इनको क्वालिटी अश्योर कर सके। करके तो दे दिया बट क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कंपनी का जो मशीन होता है उसमें इतना क्वालिटी इसलिए मिलता है क्योंकि इनके पास सारे पैरामीटर्स होते हैं, अगर जरा भी गलत होता है तो वो तुरंत ही समझ में आ जाता है और पकड़ में आ जाता है। दैट्स हाउ इट इज़। तो मज़ा आया वेल्डिंग करके, जीवन में पहली बार वेल्डिंग किया है, अभी हम आगे पूरा 2 साल का कोर्स करने का भी मन कर रहा है, अगर टाइम में परमिट किया तो डेफिनेटली वहाँ पे करेंगे।